फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अभी आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या क्या बोलते हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं या हो सकता है आप मुझे इंस्टा पर कहीं भी अभी अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप फेसबुक पर है तो मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए हम आपको बात बताने जा रहे हैं जो हम आपको लास्ट वीडियो बताए थे कि एडवर्ब के काइंड कितने हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल एडवर्ब होता है उस सिंपल एडवर्ब के 7 काइंड होते हैं। जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या बताया था, सिंपल एडवर्ब के 7 काइंड होते हैं, 7 भेद होते हैं। तो उस 7 भेद को हम आज आपको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो हमारा सबसे पहला है उसको हम लोग नाम देते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आपको याद कीजिए होइएगा, उसमें मैंने आपको सबसे पहला नाम बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम का। तो चलिए हम आपको सबसे पहले चर्चा करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का। देख लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम हम कहते किसको है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम को समझने के लिए हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल हमें ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, कोई किसी भी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए उसका एग्जांपल ही सबसे बेटर आपको एग्जांपल तरीका होता है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। He came here 5 years ago। अब यहां पर गौर कीजिए, मैं आपको बताया he came here 5 years ago। अब यहां पर देखिए came हो गया आपको verb, अब verb को क्वालिफाई कर रहा है कि आया भाई तो कब आया, 5 साल पहले। अब जरा बताओ वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एडवर्ब। अब ये मुझे बताइए कि 5 years से वो बताता किसका है, किसका बोध कराता है, कौन सी का डिनोट करता है, इसे क्या संवाद पता चलता है। आपको पता है कि 5 years से वो का मतलब इसे टाइम का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो टाइम यानी समय का बोध कराया तो हम लोग इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या नाम देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, याद रहेगा हम लोग इसको क्या नाम देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको यहां पर एक बात क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम उसको हम लोग कहेंगे जिस एडवर्ब से किसी भी काम के करने का समय का बोध होगा, या ऐसे सीधे कह सकते हो कि जिस एडवर्ब से समय का बोध होता है उस एडवर्ब को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब विच डिनोट्स टाइम या टाइम ऑफ द वर्क या एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब विच डिनोट्स द टाइम ऑफ द एक्शन या टाइम ऑफ द वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी सिंपल डिफिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कर रहा हूँ कि कोई भी एडवर्ब जिससे केवल किसी कार्य के समय का बोध होगा तो समय का बोध कराने वाला है आपको एडवर्ब जो होगा उसी एडवर्ब को हम लोग नाम देंगे कौन सी, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या नाम हम लोग देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत ऑलरेडी यहाँ पर देखिएगा एक और हम टाइम बताते हैं, एक टेंस का सेंटेंस देते हैं, आई हैड गॉन बिफोर यू केम हियर। अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर दो सेंटेंस है, यहाँ पर हुआ एक ये और एक ए। अब जरा बताओ इस बिफोर से क्या पता चलता है, दिमाग थोड़ा लगा लो कि जिस समय आप आए ना ये समय का बोध कर रहा है, यहाँ पर ये जो वर्क है ये भी एक प्रकार का समय का ही बोध कर रहा है। जिस समय आप आए, अगर आप 5 बजे आए तो ये 5 बजे की बात कर रहा है, अगर आप 10 बजे आए तो ये 10 बजे का बोध कर रहा है। यानी जिस टाइम पर आप आए उस टाइम से पहले ही मैं जा चुका था, तो यहाँ जो हुआ बिफोर वो क्या बताया, टाइम का बोध कराएगा। तो टाइम का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा,
एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हम लोग नाम देंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी सिंपल सी बात है कि जिस एडवर्ब से समय का बोध होता है उस एडवर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं।